हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवीज क्रिएशन। आज मैं 36 इंच ब्लाउज़ के बैक नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ब्लाउज़ के लेंथ ले ली हूँ 15 इंच, 14 इंच तैयार है तो 1 इंच प्लस करके 15 ली हूँ, ठीक है। उसके बाद 36 का चौथा यहाँ है 8.5 इंच, 9 इंच, उसके साथ 1 इंच प्लस की हूँ तो 10 इंच। शोल्डर ले ली हूँ 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच, नेक बिर्थ लूँगी मैं 4 इंच, नेक लेंथ मैं लूँगी पहले बोट नेक का जो शेप दूँगी उसमें लूँगी 3 इंच का मार्जिन, और उसके बाद चौकोन बॉक्स बना लूँगी एक ठो और शेप दे दूँगी गोल गले का, जो बोट नेक का शेप है वैसे दे दूँगी, ठीक है। फिर ऊपर से 2 नहीं 1.5 इंच पे मैं निशान लगाऊँगी, ठीक है, ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगाऊँगी क्योंकि मैं लेंथ को देख के फिर आगे पीछे की हूँ, तो आप लोग चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद जितना भी लेंथ रखना है आप रख सकते हैं, मैं जैसे नीचे से 2.5 इंच छोड़ के बाकी पूरा लेंथ ले ली हूँ। फिर ऊपर से जो 1.5 इंच पे निशान लगाई थी उसमें एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लूँगी, फिर ऊपर से ऐसे हल्का सा राउंड शेप देते हुए फिर सीधा लाइन ड्रॉ करूँगी, फिर आड़े में सीधा लंबाई में ऐसे सीढ़ी टाइप का डिज़ाइन बनाऊँगी, ठीक है। फिर कटिंग कर लूँगी जैसे ड्राइंग है उसी ड्राइंग के ऊपर से कटिंग करूँगी। ये कटिंग करना हो गया है, अब ऊपर से जो बोट नेक का शेप है उसको भी कटिंग कर लूँगी मैं। हो गया है कटिंग करना, अब मेन फैब्रिक को कटिंग करके रखी थी, मेन फैब्रिक के सीधे वाले पार्ट पे ये अस्तर कपड़ा रखना है, और फिर जैसे डिज़ाइन है नीचे का जो शेप है उसके शेप के हिसाब ऊपर से एक पैर के मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग कर लूँगी। इसमें मैं पेपर पेस्टिंग की यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिना पेपर पेस्टिंग के ये वाला डिज़ाइन अच्छे से बन जाएगा क्योंकि ये थोड़ा मोटा कपड़ा है, तो जैसे पतला कपड़ा होगा तो आप लोग उसमें पेपर पेस्टिंग के ज़रूर यूज़ कीजिए, बिना पेपर पेस्टिंग के फिर अच्छे से डिज़ाइन नहीं बनता है। तो ये बहुत ही मोटा कपड़ा है इसीलिए और पेपर पेस्टिंग की यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे घुमाते हुए धीरे धीरे करके पूरा नेक के जो डिज़ाइन है चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद फिर कट कर लूँगी, जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेना है। धीरे धीरे करके कटिंग कर लूँगी अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये कटिंग करना हो गया है। अब छोटा छोटा कट लगा दूँगी चारों तरफ से, ये छोटा छोटा कट लगा दूँगी। हाँ, ताकि आसानी से बैक साइड में फोल्ड हो जाए। तो सबसे पहले कोना निकाल लेना है कोई भी नोकीला चीज़ से, उसके बाद इसको बैक साइड में फोल्ड करना है। बोट नेक के ऊपर ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है और बहुत सुंदर लगता है। जिन लोग थोड़ा सा फैला हुआ डीप नेक पहनना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए, पलटने के बाद फिर इसको स्टिच कर लूँगी। पहले जो नेक को मैंने पलटी हूँ उसके चारों तरफ से स्टिच करूँगी, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ। ये हो गया है, अब नीचे से स्टार्ट करूँगी स्टिचिंग करना और चारों तरफ से स्टिच करके मेन फैब्रिक के साथ अस्तर कपड़े को अटैच कर लूँगी। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिन लोग मेरे चैनल पे नए हैं आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए इस तरह के नया नया डिज़ाइन देखने के लिए। और डिज़ाइन के बारे में कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। या तो फिर आप लोग को कोई भी डिज़ाइन देखना रहेगा या ब्लाउज़ कटिंग स्टिचिंग, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए, स्टिचिंग हो गया है, अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। बस नीचे साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग नहीं करूँगी, उसको बाद में फोल्ड कर दूँगी। तो चलिए, अब दोनों तरफ से मैं
टक्स लगाऊंगी सेंटर पॉइंट से 4.5 इंच के गैप में और 4 इंच के लंबाई में। ये दोनों तरफ टक्स लगाना हो गया है। अब नीचे तरफ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। हो गया है स्टिचिंग करना। अब ऊपर से मैं जो बोटनेक का शेप है उसके ऊपर पाइपिंग दूंगी, तो मैं क्रॉस पट्टी ले ली हूँ, यही क्रॉस पट्टी से मैं पाइपिंग दूंगी। आप लोग चाहे तो पाइपिंग नहीं देके तुरपाई भी करके, मैंने क्रॉस पट्टी लेके तुरपाई भी कर सकते हो उसमें, तो मैं इधर पाइपिंग दे रही हूँ, फिर इसको फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लूँगी। आप लोग सिंगल सिंगल करके भी पाइपिंग दे सकते हैं, इधर मैं एक ही बार में पाइपिंग को दे दूँगी। ये हो गया है, पाइपिंग देना मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं पट्टी ले ली हूँ 2 इंच चौड़ी, फिर राइट साइड में एक बार फोल्ड करूँगी, लेफ्ट साइड में एक बार फोल्ड करके फिर सेंटर में फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद इसमें स्टिच कर दूँगी। अब इसको कटिंग कर लूँगी, लगभग ये 2 इंच 1.5 इंच जैसा लंबाई में कटिंग कर ली हूँ और इससे मैं लूप्स बनाऊँगी। तो ये जो कोना है उसके ऊपर एक एक करके लूप्स को अंदर डाल के फिर स्टिच कर लूँगी। ठीक है, तो चलिए दोनों तरफ ही लूप्स लगाना हो गया है। अब इसके अंदर मैं डोरी डाल दूँगी। आपको जितना लेंथ रखना है डोरी का रख सकते हैं। ये देखिए, अब डोरी का मैं लटकन बनाऊंगी। सिंपल चौकोन कपड़ा ले ली हूँ और उसी से त्रिकोण शेप का सिंपल जो डोरी है, लटकन है, डोरी में जो लटकन बनता है वही बनाऊंगी मैं। आप चाहे तो डिज़ाइनर लटकन भी इधर बना सकते हैं। ये हो गया है लटकन बनाना। चलिए, ये हो गया है, तो मेरा डिज़ाइन भी बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिन लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।